जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली के निशाने पर होंगे ये चार महारिकॉर्ड। सनत जयसूर्य, रिकी पोंटिंग को पछाड़ने का होगा एक बेहतरीन मौका। तो दोस्तों, ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली कौन से वो चार बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं उन्हीं के बारे में। तो वही दोस्तों, यहाँ पे हम आपको विराट कोहली से जुड़ी काफी कुछ अहम खबरें भी बताएंगे। जैसे की जो दूसरी बड़ी खबर जो विराट कोहली से रिलेटेड निकल कर आ रही है वो ये है कि कोहली इतिहास रचने से है मात्र एक रन दूर, दूसरे वनडे मुकाबले में महारिकॉर्ड तोड़कर बन जाएंगे नंबर वन। तो ये भी रिकॉर्ड हम जानेंगे कि आखिरकार एक रन बनाते से विराट कोहली कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसके बारे में भी पूरी बात करेंगे। तो वही जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या विराट कोहली तोड़ेंगे सबसे तेज 12,000 वनडे रन का रिकॉर्ड, दूसरे वनडे में चाहिए इतने रन। तो ऐसे में अगर आप भी विराट कोहली के फैन है तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वहीं अगर आप भी चाहते हो कि विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में ये सभी रिकॉर्ड तोड़े तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम को दिया और वहीं न्यूजीलैंड ने उस स्कोर को चेज करते हुए इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया। तो वहीं हम आपको बता दें कि अब जो दूसरा वनडे मुकाबला होगा वो 8 तारीख को हैमिल्टन के मैदान पर खेला जाएगा और यह मुकाबला भी उसी समय यानी कि 7:30 बजे से खेला जाएगा। और वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली के निशाने पर चार बड़े महारिकॉर्ड होंगे। तो आइए चलिए एक एक करके अब हम आपको सभी उनके रिकॉर्ड बताते चलते हैं कि आखिरकार वो दूसरे वनडे मुकाबले में कौन से बड़े इतिहास हमें रचते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि पहले वनडे में शतक जड़ने के साथ ही विराट कोहली वनडे में बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक के मामले में संयुक्त रूप से नंबर वन खिलाड़ी बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर विराट कोहली पहले वनडे मुकाबले में शतक जड़ देते हैं तो वो संयुक्त रूप से नंबर वन के स्थान पर आ जाएंगे बतौर कप्तान, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरे रिकॉर्ड के बारे में। जो तीसरा बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ेंगे वो ये होगा कि विराट कोहली ने अब तक अपने क्रिकेट करियर में 70 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं और वहीं अगर वो पहले वनडे मुकाबले में भी शतक जड़ पाते हैं तो वो रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 71 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए थे, उनकी बराबरी कर लेंगे। जी हां, जैसे कि आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे कि रिकी पोंटिंग और विराट कोहली दोनों सेम स्थान पर हैं, तो वहीं विराट कोहली अगर दूसरे वनडे मुकाबले में शतक जड़ देते हैं तो वो रिकी पोंटिंग की बराबरी पर आ जाएंगे 71 शतकों के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम आपको बताते हैं दूसरा बड़ा रिकॉर्ड क्या तोड़ेंगे विराट कोहली। तो जैसे कि आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में सर्वाधिक चौके लगाने के मामले में विराट कोहली सनत जयसूर्य और महिला जयवर्धने को पीछे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अब तक वनडे क्रिकेट में 1115 चौके लगाए हैं, तो वहीं उनसे जो आगे निकलते हुए नजर आते हैं वो है महिला जयवर्धने, जिन्होंने 1119 चौके लगाए हैं। तो ऐसे में अगर विराट कोहली 5 चौके और लगा देते हैं दूसरे वनडे मुकाबले में तो वो महिला जयवर्धने के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और वहीं आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सनत जयसूर्य ने यहाँ पर 1500 चौके लगाए। तो ऐसे में विराट कोहली अगर और लगातार वनडे मुकाबले खेलते हैं तो वो इस रिकॉर्ड को भी जरूर सनत जयसूर्य के तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगले रिकॉर्ड के बारे में। जो अगला बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि विराट कोहली ने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान के रूप में 41 शतक जड़े हैं और अगर वो पहले वनडे मुकाबले में शतक जड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इस मामले में रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 41 ही शतक जड़े थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर वो टॉप के स्थान पर आ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, ये सभी रिकॉर्ड जो हमने आपको बताए सभी विराट कोहली के शतक पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में शतक जड़ पाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कोहली इतिहास रचने से है मात्र एक रन दूर, दूसरा वनडे में तोड़ सकते हैं ये महारिकॉर्ड। जी हां, जैसे कि आप सब यहां पे देख पा रहे होंगे लिस्ट में कि 2020 ओडीआई में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में जो केएल राहुल है वो टॉप के स्थान पर है और वहीं दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है, हालांकि दोनों ने बराबर बराबर रन बनाए। तो ऐसे में अगर दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली एक रन और बना देते हैं तो वो लोकेश राहुल को पीछे छोड़ते हुए टॉप के स्थान पर आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, क्या कोहली तोड़ेंगे सबसे तेज 12,000 वनडे रन का रिकॉर्ड, दूसरे वनडे में चाहिए इतने रन। जी हां दोस्तों, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मात्र 300 पारियों में अपने सबसे तेज 12,000 वनडे रन पूरे किए थे और वहीं आप यहां पे देख सकते हैं कि दूसरे स्थान पर रिकी पोंटिंग का नाम आता है, जिन्होंने 314 पारियां खेलते हुए अपने 12,000 वनडे रन पूरे किए थे। तो ऐसे में अभी विराट कोहली ने फिलहाल 246 मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 11,843 रन बनाए हैं। तो ऐसे में अगर
विराट कोहली को यह आंकड़ा हासिल करना है तो उन्हें 157 रनों की अभी आवश्यकता है, जबकि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनके पास अभी 62 पारियां शेष हैं। तो अब अगर ऐसे में देखा जाए तो विराट कोहली 157 रन बनाकर जहां तक है सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को जरूर तोड़ देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कहते हो, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिसके आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी वनडे सीरीज चल रही है, जहां पर भारतीय टीम इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेल चुकी है। तो वहीं हम आपको बताएं कि भारतीय टीम को पहले वनडे मुकाबले में काफी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल टॉस जीतते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 347 रन बनाए। तो ऐसे में जवाब में उतरी न्यूजीलैंड ने 348 रन मात्र 48.1 ओवर में ही पूरे कर दिए और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में ये जो ओडीआई सीरीज है वो 3 मैचों की है। तो अब अगर दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारत हार जाता है तो वो इस सीरीज को अपने हाथों से गवा देगा, लेकिन हम जानते हैं कि भारत जरूर उठकर आएगा और एक बार फिर से अपना दम दिखाएगा और न्यूजीलैंड को इस ओडीआई सीरीज में जरूर हराएगा, जैसे उन्होंने टी20 सीरीज में 5-0 से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। तो वही हम आपको बताते चलें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण वनडे मुकाबला 8 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा और ये जो करो या फिर मरो का मुकाबला होगा वो सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। हालांकि हम आपको दूसरी खबर में बताएंगे कि आखिरकार ये मुकाबला उसका भी रीजन आपको पूरा बताएंगे। तो ऐसे में अभी हम आपको बताते हैं कि इस मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 टीम क्या होगी उसके बारे में। तो दोस्तों ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप सभी को दूसरे वनडे मुकाबले में नवदीप सैनी की वापसी देखने के लिए मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले वनडे मुकाबले में शार्दुल ठाकुर काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए थे और उन्होंने काफी रन लुटाए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि दूसरे वनडे मुकाबले में नवदीप सैनी की वापसी हो, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने जो बयान दिए थे उनमें उन्होंने बोला था कि शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप नवदीप सैनी को एक बार मौका देके देखिए। तो ऐसे में नवदीप सैनी की वापसी आप सभी को दूसरे वनडे मुकाबले में देखने के लिए मिल सकती है। तो वही बात करें दूसरे बड़े बदलाव की जो कि भारतीय टीम में होगा, तो वो ये होगा कि पृथ्वी शॉ की जगह पर आप सभी को ऋषभ पंत इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को दूसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत का बल्ला एक बार फिर से बोलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो वही अब अगर हम बात करें कि भारतीय टीम की तरफ से वो कौन से टॉप 6 बल्लेबाज खेलेंगे उनके बारे में, तो वो होंगे विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ये सभी बल्लेबाज आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं और यहाँ पर जो बड़े बदलाव है वो नवदीप सैनी और ऋषभ पंत के रूप में आपको दिखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 टीम क्या होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसमें होंगे विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और केदार जाधव। तो आप सभी को ये खिलाड़ी खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ की जगह पर ऋषभ पंत को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि सुबह 7:30 बजे नहीं बल्कि इतने बजे से शुरू हो सकता है दूसरा वनडे मुकाबला, देखें क्या है कारण। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि 7:30 बजे सुबह 7:30 बजे शुरू होने की बजाय सुबह 8:30 बजे भी शुरू हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा यह खिलाड़ी सिर्फ लंबी लंबी बातें करता है जबकि मैदान पर कुछ नहीं कर पाता। जी हां दोस्तों, यहां पर वीरेंद्र सहवाग ने जिसको लेकर ये बोला है वो है केएल राहुल। जी हां दोस्तों, केएल राहुल को उन्होंने बोला कि पिच और परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल की तारीफ के बाद वीरेंद्र सहवाग ने ऋषभ पंत को लेकर कहा कि ऋषभ पंत सिर्फ ऐसा बोला करते हैं जबकि वह ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो मतलब साफ सीधी बात है, उन्होंने यहां पर ऋषभ पंत को टारगेट किया और केएल राहुल की बढ़ाई करी है। बाकी आप पूरा उनका इंटरव्यू भी यहां पे पढ़ सकते हैं। यहां भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने काफी कुछ बड़े बड़े बयान दिए। तो आइए चलिए एक एक करके हम आपको सभी के बयान बताते चलते हैं कि आखिरकार किसने क्या बोला है। तो दोस्तों यहां पर जो पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वो आता है आरपी सिंह का। जी दोस्तों, आरपी सिंह ने लिखा, बधाई हो सुरेश अय्यर, आपके पहले वनडे के लिए आपने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई कोशिश करता है तो उसका भी टाइम जरूर आता है। तो यहां पर सुरेश अय्यर को लेकर उन्होंने बधाई दी क्योंकि आज उन्होंने अपना वनडे क्रिकेट में पहला शतक जमाया था। तो वहीं बात करें दूसरे बयान के बारे में, जो दूसरा बड़ा बयान निकल कर आता है वो है आकाश चोपड़ा का। जी दोस्तों, आकाश चोपड़ा लिखते हैं और कहते हैं कि केएल राहुल के साथ शुरू करने के लिए कठिन था और भी भाग्य का अपना हिस्सा था, लेकिन अंत में अय्यर के लिए एक अच्छा टर्न था। भारत के लिए नंबर 4 पर एक शतक बनाना दुर्लभ बात है। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर भारतीय टीम के बारे में तो कुछ नहीं लिखा लेकिन सुरेश अय्यर की तारीफ है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी
भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।